own welcome on Face to Face with Rashi, and we have with us Mrs. Preeti Sharma, who is District Commandant of Home Guard. Ma'am, you're welcome on the show. Thank you. And right now I'm at Gandhi Akadmik Sansthan, Prayagraj. Or aaj aap yahan women ko felicitate karne aayi hain. Ma'am, I would just like to know ki aaj hum itna women empowerment ki baat karte hain, to how you are contributing, aap kaise contribute kar rahe hain ki women apne rights ko realize kare aur uske saath saath ek balance hamare society mein aaye, wo balance jo kahin miss ho raha. Actually, vartman mein kya shuru se samaj ki demand kari hai कि हमारी 50% जनसंख्या, मतलब आधी आबादी हमारी जो होती है वो वुमेन पे, तो कायदे में तो जो पुरुष और स्त्री, जैसे हमने लोगों ने डिवाइड कर लिया, बिल्कुल एक्चुअली वो डिवाइड होने की चीज ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग एक मनुष्य और मनुष्य हैं, उसमें सबकी जो हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को मानती हूँ और वही हमारे समाज का, हमारे देश का, या हम कहें कि मनुष्य मात्र की भलाई के लिए आवश्यक है. तो उसमें यदि हमारा कोई भी पक्ष यदि कमजोर है, तो इट मीन हम सशक्त, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो हमारा या हमारा राष्ट्र हो, उसकी उम्मीद कर ही नहीं सकते. हम उसको पूर्ण रूप में देखेंगे जब, क्योंकि ये माना जाता है कि जो अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि पुरुष और स्त्री दो डिफरेंट पार्ट बना के उनको पूर्ण बनाया जाए, जिससे हमारा पूरा सृष्टि का निर्माण होता है. तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी उसको कमजोर नहीं सोच सकते. अगर हमारे यहाँ की नारी पढ़ी लिखी नहीं है, अपने अधिकारों की बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक मनुष्य होने के नाते उसे सारे अधिकार उसे मिलने चाहिए, उसके सारे कर्तव्य उसको जरूर पूर्ण होने चाहिए. किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए. तो हमको जब हम उस महिला को एक मनुष्य मात्र मानेंगे, तो नेचुरली फिर शोषण की समस्या भी खत्म हो जाएगी. उसे भी अपने अधिकार बचाने चाहिए और हमारा समाज भी इस पर विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए. तो यू आर सच अ स्ट्रांग लेडी, यू आर सच अ स्ट्रांग लेडी, तो व्हाट इंस्पायर्ड यू, आज आप जहाँ पर हो, आपका इंस्पिरेशन क्या रहा? एक्चुअली शुरू से ही मैं बहुत ही उससे बोलते हैं थ्योरेटिकल टाइप की पर्सन, तो मैं उसी टाइप के हर चीज़ को तार्किक रूप से देखना कि ये ऐसा है. कभी भी मतलब स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की बात, स्वतंत्रता का सही रूप में स्वतंत्रता जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सही रूप में स्वतंत्रता, जिसको हम गलत रूप में हम नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्रता के रूप में नहीं कर सकते. तो जो स्वतंत्रता है मैं उसकी शुरू से पक्षधर रही हूँ. पक्षधर क्या, अपने जीवन में मैं ये मानती हूँ कि मैं जो निर्णय लेती हूँ, कहना नहीं चाहिए अपने मुँह से, मैं जो निर्णय लेती हूँ वो बहुत सोच समझ के, मतलब जो सही हो मैं वो कोशिश करती हूँ, बहुत ही न्यायप्रिय होती हूँ. तो कुछ चीज़ों का बचपन से जो गलत लगा हमेशा उसका विरोध भी किया, तो यहाँ से भी मुझे जो अच्छा लगा, मीन जो भी पर्सन थी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मीन बच्चा भी हो, मैंने वहीं से भी कोशिश की और कोशिश किया कि कोई थ्योरेटिकल मैं बता रही हूँ, तो किताबी ज्ञान उसी को मैंने वास्तविक व्यवहार के रूप में उतारने की कोशिश की. तो चैलेंजेस भी आए होंगे बहुत सारे, बहुत सारे, और लेकिन हर जगह अंत में लोगों ने स्वीकार किया, माना. और कौन सी एक ऐसी शक्ति थी जिसने आपको ये हिम्मत दी कि ठीक है, व्हाटसोएवर जो भी चैलेंज मेरे लाइफ में आ रहा है मैं उसे ब्रेवली फेस करूँ, ये हिम्मत की शक्ति आपको कहाँ? ये एक्चुअली मुझे हमेशा ये लगता है कि व्यक्ति के पास दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके पास जो भी चैलेंज आ रही है या जो भी आपकी समस्याएं हैं या जो भी आपका स्ट्रगल है, उसमें दो स्थिति बनती है. या तो आप चीज़ों का मुकाबला करिए, तो नेचुरली आपके सामने जो जीत का रास्ता होगा, आप जो पाना चाहते हैं वो पा लेंगे, या आप चुपचाप बैठ जाएंगे. तो दो में से आपको एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अब उसमें ये आपकी मर्जी है कि आप क्या एक्सेप्ट करते हैं. नेचुरली व्यक्ति जीता उतना ही है, फिजिकली कोई इसका कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है. तो अगर आपकी क्षमता है तो आप उसका सदुपयोग करिए. जीवन है, जीने वंडरफुल. और आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती है? फ्री टाइम एक्चुअली मैं थोड़ी सी क्रिएटिव माइंड की हूँ. मुझे बहुत सारे काम करने पसंद है, जैसे घर का डेकोरेशन, मतलब मुझे बहुत अच्छा, मतलब मुझे घर को सजाना बहुत, मतलब ये क्या कि
म्यूजिक मुझे पसंद है. खाली टाइम हो तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए. कुकिंग भी अच्छा लगता है, डांस भी अच्छा लगता है, गाती भी है. हाँ कुछ नहीं अभी आवाज आप देख रही हैं तो क्या नहीं एक्चुअली इस समय तो फीवर आया तो मैं कभी आपको सुनाऊंगी. बहुत अच्छा सुना. ठीक है, थैंक यू सो मच. या प्लीज. हाँ बस यही सब क्रिएटिव मुझे काम करना अच्छा लगता है. एंड बिफोर आई से थैंक यू टू यू. और थोड़ा सा खुश रहना मुझे पसंद है. पॉजिटिविटी अच्छी लगती है. दैट वी कैन फील इन योर पर्सनालिटी. एंड बिफोर वी वाइंड अप एंड से थैंक यू टू मिसेस प्रीति शर्मा एंड सीइंग द हॉल इज ऑल साउंडिंग विद द अप्लॉज, योर मैसेज टू यंग गर्ल्स आउट देयर. मैं चाहती हूँ कि सभी गर्ल्स, पहली बात जो स्वतंत्रता है उसको सही उपयोग करना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, अपने कर्तव्यों के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें. कोशिश करें कि अपने जीवन का, अपने हर पल का सदुपयोग करें और एक अच्छा समाज को बनाने में जितना संभव हो सकता अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन और बाकी जितनी भी मदद हो सकती है वो करें. गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति को अपने ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो मानते थे कि अगर व्यक्ति अपने आप में, व्यक्ति से पूरा समूह समाज बनता है और नेचुरली सबकी खुद भी सशक्त होगा भी कर सकते हैं. Thank you very much, Mrs. Preeti Sharma, District Commandant, Bareilly, and it's so wonderful meeting you here. आज आप women को different fields में जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको आप felicitate करने आए हैं. काफी ambience में आवाज है लेकिन हमने तब भी इस opportunity को cash किया. And these are the certificates that have come, so thank you so much. Thank you.